जय श्री कृष्णा। कैसे हैं हमारी फैमिली के प्यारे प्यारे लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले और ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले। लेकिन 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 हमारी फैमिली के लिए जो भी पॉजिटिव हो वो मिले, जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी ना मिले। हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब देखिए, आज का जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है। ये भी देखिए, आज हमें एंजल्स ने ही बताया कि हमें किस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए, तो आज भी एंजेलिक गाइडेंस के हिसाब से ही हम रीडिंग कर रहे हैं। सॉरी, कल हम ज़रूर आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग या कोई लव रीडिंग लेकर आएंगे, लेकिन आज जो रीडिंग है ये भी एंजल्स की तरफ से डिसाइडेड है। ठीक है, तो जो आज की रीडिंग है वो ये है कि आप सही रास्ते पर हैं। आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है? क्योंकि इस रीडिंग की बहुत सारे लोगों को ज़रूरत थी, इसलिए ये रीडिंग हम कर रहे हैं। ये रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं होगी, शॉर्ट में होगी। तो देखिए, अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा, और अगर जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है आपको ऐसा लगता है कि ये आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। और जिन जिन लोगों को हमसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उन सभी लोगों के लिए हमने अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ से जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कैसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्या क्या डिटेल्स देनी है, आप वहाँ जाकर सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, क्या आप सही रास्ते पर हैं? आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है? आप जो करना चाहते हैं, आप जो करने वाले हैं, इसके लिए एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं? उनकी क्या एडवाइस है आपके लिए? तो गुड न्यूज़ है, और गुड न्यूज़ सुनने से पहले हमें रिश्वत देनी होती है। जल्दी से रिश्वत दे दीजिए, फिर जल्दी से हम आपकी रीडिंग कर देते हैं। दे दी रिश्वत, पक्का ना? तो देखिए, अपने करियर के लिए सोचना कोई गलत बात नहीं होती है, और आप अपने करियर को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप अपने करियर को लेकर कहीं बाहर जाना चाहते हैं, है ना? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन एंजल्स क्या कहते हैं ये ज़रूर आप जान लीजिए। अभी आपकी जो करंट फीलिंग है वो हमें ये दिख रही है कि फैमिली में किसी बात को लेकर, फाइनेंशियल इशू को लेकर भाइयों में मतभेद हुआ है, परिवार में किसी से बहस हुई है, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, क्योंकि आप चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आप बहुत पेनफुल स्थिति में हैं। झगड़ा हुआ है तो आप पैसे कमाने के लिए बाहर जाना चाहते हैं। आपके अंदर इस वक्त एक जुनून सवार है स्टेबल होने का, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कुछ कुछ काम सही समय पर हो तभी अच्छा होता है ना। और आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं कि ये टाइम अभी सही नहीं है, ये टाइम अभी यात्रा करने के लिए सही नहीं है। जानते हैं ऐसा क्यों कह रहे हैं एंजल? बताएं आपको। हम तभी तो कहते हैं कि हम कोई भी रीडिंग बेवजह नहीं करते हैं, हम पहले मेडिटेशन करते हैं, एंजल से प्रे करते हैं कि बताइए आज किस टॉपिक पर रीडिंग की जाए, हमारी जो फैमिली है उन्हें इस वक्त किस टॉपिक की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए, आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं ना, यात्रा करना चाहते हैं, और आपको पता है ना कि कोरोना की वजह से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है हर शहर में, आप कहाँ जाएंगे इस समय? हम ये भी समझ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं,
घर में अगर रहेंगे तो फिर अपनों से बहस हो जाती है, अपनों से झगड़े हो जाते हैं, और अगर बाहर जाओ तो बाहर भी इस टाइम पर कोई सही काम नहीं मिलेगा आपको, कोई जॉब नहीं मिलेगी, मतलब कुछ भी आपका जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी हो, तो उसमें अभी आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। आपका सोचना बिल्कुल ठीक है लेकिन पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए एंजल चाहते हैं कि अभी आप अपनी इस यात्रा को पोस्टपोन कीजिए, यही आपके लिए सही है। और आप इतना मत सोचिए, कोई बात नहीं, अपने हैं ना, अपनों से बहस हो जाती है। इतना ज़्यादा सोचेंगे ना तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे आप, इतना नहीं सोचना है आपको। क्योंकि हमें इधर दिख रहा है कि आप सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाना चाहते हैं, आप घर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप सबका प्यार ठुकरा के दूर चले जाना चाहते हैं। नहीं करना आपको ऐसा, बिल्कुल नहीं करना है। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा फाइट के मूड में हैं क्योंकि आपकी बहस हुई है, आपका झगड़ा हुआ है, तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप सोचते हैं या तो आप दूर चले जाए वरना लड़ाई हो जाएगी, हम समझ सकते हैं। लेकिन एंजल्स ये कह रहे हैं कि अभी आपको आपकी जो यात्रा है, आप जहाँ जाना चाहते हैं उस तैयारी को अभी आप पोस्टपोन कीजिए, कुछ समय बाद जब माहौल ठीक हो जाएगा हमारे देश का तब आप बाहर जाना। अभी देखिए हर जगह लॉकडाउन लगने की स्थिति फिर से आ चुकी है, शायद बॉर्डर्स बंद हो चुके हैं, तो इसीलिए एंजल्स आपको रोकना चाह रहे हैं। इसीलिए हमें लगता है कि एंजल्स ने हमें इंट्यूशन दी कि हमें इस टॉपिक पर रीडिंग करनी है, क्योंकि हमारे एंजल्स कहना चाहते थे कि आप जल्दी से रीडिंग करो क्योंकि हमारा बच्चा इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में बाहर जाने वाला है, और जो कि ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है, समझ गए। तो एंजल्स कह रहे हैं गुस्सा गुस्सी छोड़ दीजिए, ख़त्म करिए, ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं, ज़्यादा सोचेंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है। अगर आप जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा परेशान होंगे, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो आपको इतना ज़्यादा नहीं सोचना है। हमें पता है कि आप थोड़े इमोशनल टाइप के इंसान हैं, आपकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया है, सब धीरे से ठीक हो जाएगा। कोई भी परिस्थिति बहुत समय तक तो एक जैसी रहती नहीं है, सब कुछ बदलता है, ये भी बदल जाएगा। तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, कहीं भी छोड़कर मत जाइए किसी को, और इस टाइम तो बिल्कुल भी मत जाइए। इस टाइम पर आपको आपके अपनों की ज़रूरत है और आपके अपनों को आपकी ज़रूरत है। इस वक्त अपने परिवार के साथ रहिए, माना कि मतभेद हो जाएंगे और झगड़े हो जाएंगे, लेकिन आप तो समझदार हैं ना, हमें पता है कि जैसे कि आपके बड़े आपसे कुछ बोलते हैं लेकिन आप कितनी कोशिश करते हैं कि आप उन्हें कुछ ना बोलें, आप उन्हें जवाब ना दें, आप उनसे उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना लें, आप अंदर ही अंदर घुट घुट कर रहते हैं, हम समझते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी आपको नहीं जाना है, कुछ समय बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब आपको जाना है, क्योंकि अगर आप चले जाएंगे ना तो वहाँ जाकर भी आपको प्रॉब्लम्स फेस ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं बेटा थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम जैसे ही सब कुछ ठीक कर देंगे हम आपको तुरंत इन्फॉर्म करेंगे कि अब आप घर से निकलिए, अब आप अपने जॉब के लिए जाइए, क्योंकि जब आप जाएंगे तभी आपको एक न्यू ऑफर मिलेगा ईश्वर की तरफ से, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय बाद। तो आपको एंजल्स की बात तो माननी पड़ेगी ना, मानेंगे ना आप, बताइए कमेंट में लिखिए जल्दी जल्दी से कि आप एंजल्स की बात मानेंगे। आपके एंजल्स, आपके गॉड आपका बुरा नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा सब कुछ सही समय पर करे, क्योंकि कुछ चीज़ें समय से पहले नहीं होती हैं, तो आपको भी समय से पहले कुछ नहीं करना है। अगर आप समय से पहले करेंगे तो आप खुद ही परेशान हो जाएंगे, और आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइडर आपको परेशान होता हुआ नहीं देख सकते, इसीलिए वो ये रीडिंग हमारे थ्रू आपके लिए लेकर आए हैं। अब आपको क्या करना है आप खुद ही समझ लीजिए, आपको एंजल्स की बात माननी है या नहीं माननी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा,
अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी न सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी भर कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, आप वो करिए जो आपका मन कहता है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, क्या आप सही रास्ते पर हैं? आप जो कर रहे हैं क्या वो सही है? एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए? तो देखिए, आप जो सोच रहे हैं वो सही तो है, लेकिन इस तरह से सोचना सही नहीं है। आप अपनी शादी को लेकर सोच रहे हैं, आप अपने लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आप किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, ये सब ठीक है, लेकिन जल्दबाजी करना ठीक नहीं है और अभी तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। परिवार से बहस करना भी ठीक नहीं है, इतना स्ट्रेस लेना भी ठीक नहीं है। और ये किस बात का गिल्ट है, किस बात का गिल्ट है आपको? अब देखिए, आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हैं या फिर आप किसी से कमिटमेंट लेना चाहते हैं, इधर दोनों ही कंडीशन है, तो प्लीज़ जल्दबाजी ना करें। अगर आप किसी को कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, शादी को लेकर हो या बिजनेस को लेकर हो, तो अभी आप कमिटमेंट मत दीजिए, अभी आप कोई वादा मत करिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिए, अभी आप इतनी जल्दबाजी करके एक्शन मत लीजिए। अगर आप लोगों की कहीं शादी हो रही है, आप लोगों ने कहीं लड़का देखा है या लड़की देखी है, जो भी है, तो थोड़ा सा समझकर, अच्छे से देखकर, सुनकर तभी आगे कोई फैसला लेना, ठीक है। उसमें भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, कभी कभी जल्दबाजी में लिए हुए फैसले गलत हो जाते हैं और ये फैसला भी आपके लिए गलत साबित हो सकता है। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं तो भी थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बिल्कुल ये मत समझ लीजिए कि ये आपका सोलमेट ही है। अभी नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि वो आपका सोलमेट नहीं है। अगर आपके अंदर उसके लिए ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि वो आपका सोलमेट है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा नेगेटिव वाइब आ रही है, यहाँ पर थोड़े से धोखे की वाइब आ रही है, समझ रहे हैं? यहाँ धोखा हो सकता है आपके साथ, तो अभी आप रुकिए, अभी आप एक्शन मत लीजिए, बिल्कुल भी मत लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपनी फैमिली में बात करें, अपनी फैमिली में बात करना चाहते हैं अपने प्यार को लेकर, और अगर फैमिली रिजेक्ट करती है, मना करती है, तो आप बगावत के मूड में आ जाएं, तो अभी आप ये भी मत करिए, ये भी सही समय नहीं है। पहले सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से ले लीजिए, भ्रम मत पालिए अंदर, समझ रहे हैं? जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर कर लीजिए पहले। जिस इंसान से भी आप शादी करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, या किसी के साथ अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके करने से पहले आप पूरी फुल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, एक एक डिटेल्स ले लीजिए, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाइए, वरना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है। और अभी भी आप हमें स्ट्रेस वाली एनर्जी में ही नज़र आ रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप जिनके कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या फिर आप जिन्हें कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। एंजल्स आपको मना कर रहे हैं, एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपके साथ धोखा हो जाएगा, क्योंकि जिस इंसान को आप इतना अच्छा समझ रहे हैं, प्लीज़ जो यहाँ पर प्यार करते हैं वो हमसे ये बात लेकर मत लड़ने लग जाना कि दी आप पहले वीडियो में कह रहे थे कि आपका सोलमेट है और अब आप कह रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। हम यहाँ ये बात कह रहे हैं कि बिजनेस को लेकर हो, किसी की शादी को लेकर हो, कमिटमेंट को लेकर हो, ठीक है। तो अभी जल्दबाजी मत करिए, सारी इन्फॉर्मेशन लेने में क्या बुराई है? आपको दिख नहीं रहा कि ज़माना कैसा चल रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है,
लोग कितने मुखौटे लगाकर घूम रहे हैं। 4 दिन में आप किसी को भी पहचान नहीं सकते। आपको लगता है कि 4 दिन में आप हर इंसान को पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते आप। सालों बीत जाते हैं, फिर भी इंसान एक दिन जब अपना असली चेहरा दिखाता है तब आपको बाद में पछतावा होता है। और फिर पछताए क्या होगा? वो कहावत है ना कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर क्या होगा? फिर पछताने से क्या होगा? अगर अभी आप डिटेल्स सारी निकाल लेंगे, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, उसके बाद आप कोई एक्शन लेंगे, तब क्या बुराई है? अभी जल्दबाजी क्यों हो रही है इतनी? हम ये सबके लिए बोल रहे हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे शादी हो, चाहे प्यार हो, चाहे प्रपोज हो, हर बात के लिए बोल रहे हैं। शांत, थोड़ा रुकिए, थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, जल्दबाजी मत करिए। अगर आप सब्र के साथ सब कुछ करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर सब कुछ सोच समझ कर करते हैं, तो ज़रूर रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा। और अगर आप जल्दबाजी करते हैं ना, तो धोखे के सिवा कुछ भी नहीं मिलना आपको। परिवार से बहस नहीं करनी है, और बहस करके दिमाग में ये ख्याल बिल्कुल भी नहीं लाना है कि आप घर छोड़ कर चले जाएंगे। बात बात पर घर छोड़ने का ख्याल क्यों आ जाता आप लोगों को? एक बार घर छोड़ कर देखिए, कितनों को देखा जो घर छोड़कर चले गए हैं। या तो इंसान पूरी तरीके से आबाद हो जाता है, या फिर पूरी तरीके से बर्बाद ही हो जाता है। तो सोच समझ कर सब कुछ थोड़ा सा धैर्य के साथ करिए। अब देखिए एंजल साहब से क्या कह रहे हैं। एंजल साहब से ये कह रहे हैं कि आप जितना ज़्यादा ये इंतज़ार कर रहे हैं, आप जितना ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छी बात है। चाहे बिजनेस का हो, किसी जॉब का हो, किसी इंसान का हो, या किसी रिश्ते का हो, आप इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको अभी कोई फ़ैसला नहीं लेना है, इस टाइम पर कोई फ़ैसला नहीं लेना। ओके, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि थोड़ी सी हीलिंग करिए, अभी आपकी ज़िंदगी बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा अपने अंदर परिवर्तन लेकर आइए। थोड़ा सा परिवर्तन लेकर आइए और स्ट्रेस ख़त्म करिए, गिल्ट ख़त्म करिए। जिस बात का भी गिल्ट है आपको, इस गिल्ट को सबसे पहले आप ख़त्म कर दीजिए। आपने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं कर दिया है, अपने बारे में सोचना पाप नहीं होता। चाहे प्यार को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, कोई पाप नहीं होता। लेकिन गलत कर देना पाप हो जाता है। तो अभी आप गिल्ट मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? और हाँ, फिर से हम बोल रहे हैं कि जिस इंसान पर भी आप आंख बंद करके विश्वास कर रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है ये आपका सब कुछ है, अभी पहले उसके बारे में फुल डिटेल्स निकालिए, आप उसकी कुंडली निकाल लीजिए अच्छे से, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाइए। एंजल्स की भी यही एडवाइस है और हमारी भी यही एडवाइस है, क्योंकि हमें इस रीडिंग में पॉजिटिव वाइब आ ही नहीं रही है हमारे अंदर। जैसे कि आप हमारे कोई भाई हो, बहन हो, जो भी हो, आप बहुत अपने हो, और आप ऐसा बोल रहे हो तो हमें गुस्सा आ रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि आप सामने बैठे हो और हम आप पर गुस्सा कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है। हमें जिस दिन पॉजिटिव वाइब आती है, हमारी आवाज़ ही कुछ अलग होती है, और जिस दिन हमें नेगेटिव वाइब आती है, उस दिन हमारी आवाज़ अलग होती है। ये उस टाइप की नेगेटिव वाइब है जैसे कि कोई इंसान किसी अपने को प्रोटेक्ट कर रहा हो। आप हमारे अपने हो तो हमें आपकी प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है, मायने लगती है। तो इस वक्त कुछ भी नहीं सोचना है ज़्यादा, ठीक है? और इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है, आंख बंद करके भरोसा मत करिए, सोच समझ लीजिए, पहले पूरा अनुभव कर लीजिए, सारे डिटेल सारी इन्फॉर्मेशन निकालिए, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाइए, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं, आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपका मन कहता है, जो आपकी आत्मा कहती है, ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।